हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र धाकड़ स्वागत करता हूँ आपका फ्लाई एकेडमी भोपाल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर के बारे में। तो इसमें जो मैट्रिक्स दिया हुआ है हमें, इसके हमें आइगन वैल्यूज निकालनी और हमें आइगन वेक्टर निकालना है। तो बहुत सिंपल होता है इसमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पर, वो क्या होती है, ए माइनस लैम्डा आई बराबर ज़ीरो। तो a माइनस लेमडा आई, लेमडा आई का मतलब क्या है कि जो आइडेंटिटी जो आपका मैट्राइज है उसमें लेमडा का मल्टीप्लाई किया है और उसमें से फिर a को माइनस करा है। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 माइनस लेमडा 1 1 1, 2 माइनस लेमडा 1 0 0 1 माइनस लेमडा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, a माइनस लेमडा एक कैरेक्टर इक्वेशन इस तरीके से लिखा जाता है, क्योंकि वो कैरेक्टर आपका जो आइडेंटिटी मैट्राइसिस होता है वो क्या होता है, जिसमें आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो जहाँ पे 1 1 1 होता है ना, वहाँ पे हम लेमडा माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। जैसे हम मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं, जैसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, वैसे हमें सॉल्व करना है। तो आपको हो जाएगा 2 माइनस लेमडा, ये गया इसका मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2 माइनस लेमडा और ये 1 माइनस लेमडा, और इसका इसमें करें तो जाएगा माइनस का 0। अब सेकेंड ही 1 लेंगे तो यहाँ पर माइनस 1 आएगा, ये गया और ये गया, तो 1 माइनस लेमडा और इसका करें तो माइनस का 0। फिर आपका प्लस 1 आएगा, ये गया और ये गया, तो 1 माइनस 0 आपको क्या हो जाएगा, 0, और ये भी क्या हो जाएगा आपका 0, और बराबर में क्या चल रहा है आपका 0 चल रहा है। तो ये आपको जाएगा 2 माइनस लेमडा, और अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये भी हो जाएगा 2 माइनस लेमडा और ये आपका 1 माइनस लेमडा, और यहाँ पर माइनस ये आपका क्या बचेगा, ये 1 माइनस लेमडा है तो आपका ये हो जाए माइनस 1 माइनस लेमडा ये रहा और ये पूरा 0 हो गया, तो 0 बचेगा। हाँ, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 2 माइनस लेमडा तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर 1 माइनस लेमडा माइनस 1 माइनस लेमडा बराबर में 0। तो ध्यान से देखेंगे, दोनों में से 1 माइनस लेमडा कॉमन आ रहा है, तो 1 माइनस लेमडा कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा आपका 2 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर माइनस 1। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें हम इसको खोल देंगे, 1 माइनस लेमडा ऐसे इसका स्क्वायर खोलेंगे हम, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और यहाँ पर माइनस 1, बराबर में क्या चल रहा है आपका 0 चल रहा है बराबर में। तो हो जाएगा 1 माइनस लेमडा, ये हो जाएगा आपका लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा, 4 में से 3 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बराबर 0। तो आपका 1 माइनस लेमडा तो ऐसा ही है। अब इसको हमें मिडिल टर्म से ब्रेक करना पड़ेगा, ऐसा नंबर होता है उसका मल्टीप्लाई करने में 3 आए और एडिशन करने में 4 आए। तो आपके बाद पता ही होगा किसी भी दो नंबर का आपसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 कब आएगा, जब 3 का ही 1 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 लेमडा माइनस लेमडा प्लस 3 बराबर में 0। तो 1 माइनस लेमडा यहाँ पर कॉमन लेंगे हम, तो लेमडा कॉमन लिया तो लेमडा माइनस 3, यहाँ पर माइनस 1 लिया तो लेमडा माइनस 3 बराबर 0। तो 1 माइनस लेमडा यहाँ बचेगा आपका लेमडा माइनस 3 और यहाँ पर जाएगा लेमडा माइनस 1 बराबर 0। तो आपको जाएगा 1 माइनस लेमडा बराबर 0, 1 लेमडा माइनस 3 बराबर 0 और लेमडा माइनस 1 बराबर 0। तो लेमडा इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 1, लेमडा इक्वल्स टू आपका 3 और लेमडा इक्वल्स टू 1। तो लेमडा की 3 वैल्यू आ गई, 1 1 और 3, इसी को ही आइगन वैल्यू कहा जाता है। हर क्वेश्चन में ऐसा ही होगा, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी, क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, जिसमें आपको लैम्डा की 3 वैल्यू मिलेंगी, तीनों आपकी 2 सिमिलर 1 डिफरेंट हो सकती है, तीनों ही डिफरेंट हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपका हो गया है आइगन वैल्यू। अब हमें निकालना है आइगन वेक्टर। तो आइगन वेक्टर निकालने के लिए जो हमारा लैम्डा की जो वैल्यू आई है इनको हम बारी बारी से पुट करेंगे हमारी इस वाले में, जो कैरेक्टरिस्टिक्स वाली इक्वेशन थी ना, इसमें हम वैल्यू आसानी बार बार पुट करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो 3 वैल्यू आई हैं हम उनको बारी बारी से यहाँ पर पुट करेंगे, लेकिन इस तरीके से नहीं करेंगे, यहाँ पर हम इसी वैल्यू में करेंगे, यहाँ पर हम एक्स भी साथ में लेते हैं, मतलब हम जो वैल्यू पुट करते हैं ए माइनस लेमडा आई और इनटू में एक्स में हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, ताकि हमें यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू हमें मिल पाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सभी में बारी बारी से हम लेमडा की वैल्यू पुट करेंगे और जो एक्स रहेगा आपका वो रहेगा एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री। आप चाहें तो जो इसको आप एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री की जगह एक्स वाई जेड भी मान सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर पहले मैं पुट करना चाहूँगा एक्स कॉस टू वन, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे मतलब 2 माइनस 1 1 1 1 2 माइनस 1 1 0 0 1 माइनस 1 और यहाँ पर आपको हो जाएगा एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री बराबर में 0 चल रहा है। तो 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 1 1 1 1 1 1 0 0 0
तो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री। अब मैं आपको यहाँ पर एक आईएमपी बात बताने वाला हूँ, और वो आईएमपी बात ये है। अब यहाँ पर देखो, मैं आपको हमेशा एक बात बता दूँ, जब भी आपकी दो सिमिलर वैल्यू आती ना, तो आपकी जो उस मैट्रिक्स में जिसमें हमने हमारी सिमिलर वैल्यू आई है उसके उस जब हम वैल्यू पुट करते हैं, तो आपकी जो मैट्राइसिस की दो रो आपकी जीरो हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। तो इसमें आप देख सकते, एक तो जीरो हो ही जाएगा, दूसरे को आप जीरो कर देंगे, तो अगर पहले में से पहले को माइनस करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब आपकी जो इक्वेशन बनी वो बनेगी एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बराबर जीरो, यही बनेगा। तो आपको करना क्या होता है, अपने मन से आप एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री किसी की वैल्यू पुट कर दो अपने मन से, आपका आंसर और बुक का आंसर मैच हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो जैसे मैं अपने हिसाब से पुट कर रहा हूँ, एक्स वन इक्वल्स टू जीरो और एक्स टू इक्वल्स टू वन, तो मैं देखता हूँ एक्स थ्री की वैल्यू क्या आएगी। जीरो प्लस वन प्लस एक्स थ्री इक्वल्स टू जीरो, तो एक्स थ्री इक्वल्स टू आपका माइनस वन आ गया। तो आपका जो वेक्टर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो वन माइनस वन। तो ये आपका पहला हो गया पहली वैल्यू से। अब आप कहेंगे कि किसी को के पुट कर दो, के भी पुट कर सकते हैं आप। मेरे हिसाब से आप के पुट ना करके आप जीरो वन टू पुट करो, वन टू थ्री जो भी आपको पुट करना है आप पुट कर सकते हैं। तो ये हमारा पहली वैल्यू से आ गए ऐसा सिस्टम। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरी जो हमारा वन वन, अब हमें किससे थ्री चाहिए, अब फिर से वन पुट करने की जरूरत तो है नहीं, अब हम थ्री की वैल्यू पुट करेंगे, तो हम वो पुट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम थ्री पुट करेंगे, थ्री पुट करेंगे तो यहाँ पर मैंने थ्री थ्री लिख देता हूँ, ये लीजिए। तो क्या होगा आपका मैट्रिक्स का, ये आपका हो जाएगा माइनस वन 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 माइनस वन वन ज़ीरो ज़ीरो माइनस टू। तो ये आपका होगा, यहाँ पर चल रहा है आपका एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री और यहाँ पर ज़ीरो ज़ीरो। तो बस यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का एक्स वन प्लस का एक्स टू प्लस का एक्स थ्री बराबर ज़ीरो। यहाँ करेंगे तो एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बराबर ज़ीरो, और यहाँ पर सब ज़ीरो ज़ीरो, तो माइनस टू एक्स टू एक्स थ्री इक्वल्स टू ज़ीरो। तो देखेंगे x3 की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो गई। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है, तो आपको तो दो कोई भी दो इक्वेशन उठाकर आप उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दीजिए, तो वहाँ से आपको x1 x2 x3 की वैल्यू मिल जाएगी। बट मेरे को यही मिल गई तो मैं यहीं पुट कर रहा हूँ। अच्छा मैं करके ही बता देता हूँ, वो ज़्यादा बेहतर है। तो जैसे मैं इन्हीं से ही करना चाहूँगा, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा एक्स वन, यहाँ पर लिख दूंगा एक्स टू और यहाँ पर लिख दूंगा एक्स थ्री, इन दोनों को लेकर चल रहा हूँ। तो ये गया वन वन ज़ा वन, और इसको करेंगे तो माइनस 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 हो जाएगा आपका प्लस वन। एक्स टू के लिए करूँगा तो ये गया वन, माइनस माइनस आपका प्लस वन हो जाना। एक्स थ्री के लिए करूँगा तो माइनस वन, वन माइनस वन, तो एक्स वन आपका टू आ गया, एक्स टू भी आपका टू आ गया और एक्स थ्री आपका ज़ीरो आ गया। तो इस तरीके से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आप चाहें तो इसकी वैल्यू पुट करके देख ले तो सेम आंसर आएगा। तो आपका जो एक्स होगा वो क्या हो जाएगा आपका एक्स, तो आपका x जो होगा वो हो जाएगा आपका टू टू ज़ीरो। तो ये आपका x आ गया। अब ज़रूरी नहीं आप अपने मन से पुट करते, तो कुछ भी आ सकता था। तो इसी तरीके से आपका ये आइगन वैल्यू के बाद आइगन वेक्टर आ गया। तो ये बिल्कुल सिंपल होता है और सरल होता है, ये आपके पेपर में आता है, हर साल आता है, हर बार आता है। तो आप ऐसे तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। होप यू गाइस, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप कॉमेंट करके बताएँ, अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो प्लीज़ कॉमेंट, और इस वीडियो को शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के मैथ्स वीडियोस के लिए। आपको और भी इंग्लिश वीडियोस के लिए, संस्कृत वीडियोस के लिए, जितने भी आपको इस तरह के वीडियो चाहिए तो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।